आज हम स्टार्ट करेंगे वीवीट वर्किंग, जिसको बोलता है 2.5D। तो कैसे प्रोसेस होता है हम लोग देख लेते हैं। फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हम सपोज हाइट देंगे आपका 185, और ये कर देंगे लगभग 300 के आसपास। और जिस फाइल को करना है उसको इनपुट करना है, तो हम वेक्टर टूल्स डिफॉल्ट में जाके ओपन करेंगे। और डेस्कटॉप में मैं एक फाइल बना के रखा हूँ जो आपके पास भी रहेगा इसी टाइप का। तो 11 EPS फाइल्स, ये आ गए आपका फाइल्स। और इसको हम रोटेट कर लेंगे, इसको चूज करके राइट क्लिक करके ट्रांसफर वेक्टर जो लिखा रहेगा इसको क्लिक करेंगे, और लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा आपका रोटेशन। तो हम लोग इसको 90 डिग्री रोटेशन करेंगे। रोटेशन तो हो गया है, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा है, तो ओवरऑल साइज हम पहले इसको सेंटर कर लेते हैं, और फिर इसका ओवरऑल साइज हम लोग कम करके देखते हैं नॉर्मली। तो कम हो गया आपका, अप्लाई किया आपने तो देख पा रहे हैं कि ये डिजाइन हम लोग वीविट में करने वाले हैं। टूल पाथ कैसे देते हैं हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट जाएंगे टूल पाथ में, मशीन एंगल वेक्टर, उसमें आप क्लिक कीजिए, और डिप आपको जितना देना है उसके हिसाब से, बिट के हिसाब से आप डिप दे सकते हैं। सपोज हम लोग अभी पतला छोटा पीस सैंपल बनाएंगे तो 5.5 उसका डेप्थ देंगे। सिलेक्ट टूल में जाएंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जेड हाइट बोलते हैं। तो आप जितना आप कम करें, ज़्यादा करेंगे तो 3D काम के लिए ठीक है, 2.5 के लिए थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मशीन बार बार ऊपर नीचे करें। आगे का प्रोसेस देखते हैं। अभी हम लोगों ने 10 mm का राउंड ओवर बिट ले लेंगे। ये बिट का शेप देख पा रहे हैं आप लोग, हम उसको थोड़ा एडिट कर लेंगे। सपोज हम लोगों ने 5.5 दिया है, तो 2 टाइम में कटिंग करना है, तो हम लोग 3 mm दे देंगे तो ऑलरेडी आपका 2 टाइम में ले लेगा। ये बिट का जो है सेटिंग्स, ये बिट के ऊपर लिखा रहता है, बिट बॉक्स के ऊपर में एंगल वगैरह डिटेल सब कुछ लिखा रहता है, उसके हिसाब से आपको टेप देना पड़ता है। और फिर आगे हम लेते हैं, फिर हम ओके करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, ये फाइल चूज हो गया है, डायरेक्ट करते हैं नाउ। तो टूल पाथ हमारा हो गया है, ये वाला रेड देख सकते हैं आप लोग। हम लोग सिमुलेशन करके देखेंगे कि कैसा आ रहा है करके। जाएंगे फास्ट टूल पाथ सिमुलेशन, देखिए 2 टाइम में ये क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी आया है 2.5 का। और इसमें क्या है ना, आपका अगर ये सब अंदर वाला डिजाइन भी डिलीट करना है तो आपको एक और टूल पाथ देना पड़ेगा, ताकि ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन सब कटिंग हो जाए, ताकि 3D आपको अच्छे से और उभर के आए। अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो भी नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले ये टूल को, पहले जो टूल पाथ दिया है उसको पहले सेव कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं हम डेस्कटॉप में 2.5D, सेव कर लिया। उसके बाद फिर इस टूल पाथ को डिलीट कर देंगे, नहीं तो एक साथ में दो दो बार चल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप ऑल, और शिफ्ट प्रेस करके इसका जो साइड में एक बॉर्डर नहीं है अभी हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, ताकि आपका बाहर का लाइन क्रिएट करने के लिए। तो बीट मैप टू वेक्टर ओपन करेंगे, और जैसा है सब कुछ वैसे रहने दीजिए, जस्ट ओके कर दीजिए, तो आपका आउटसाइड में बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको और इसको दोनों को शिफ्ट पकड़ के चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में चूज कर लेंगे चूज करने के बाद में टूल पाथ में जाएंगे, और
एरिया क्लियरेंस में जाएंगे, जाने के बाद हम लोगों ने जितना डिप्थ दिया था उतना डिप्थ इधर भी देना है। सपोज 5.5 हम लोग डिप्थ देंगे और टूल ऐड करेंगे। अभी आप लोगों के पास जैसा बिट है उसी हिसाब से आप कर सकते हो। अगर जितना पतला बिट देंगे उतना क्वालिटी आपका बढ़िया आएगा। 5 mm का बिट है ना, तो 5 mm बिट हम अभी लेते हैं, लेके देखते हैं। 5 mm बिट लिया और हम लोगों ने इसको 2.5, तो फिर इसमें भी 3 mm देगा तो 2 टाइम में क्लियर कर लेगा। ओके डन। उसके बाद करते हैं नाउ। तो ये पोर्शन हो गया है, लेकिन हमें ये अंदर वाला भी करना है, तो मैंने चूज़ नहीं किया था, तो एक बार चूज़ करके फिर स्टार्टिंग से देते हैं। सिलेक्ट, फिर ये सिलेक्ट, फिर ये सिलेक्ट, फिर ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट। अभी जाके आप टूल बाद में टूल दे सकते हैं 5.5 एट 5 mm। और देख सकते हैं आपका ये टूल पाथ क्रिएट हो गया। इसको सिमुलेशन करके चेक कर लेते हैं। टूल पाथ सिमुलेशन में जाके देखिए, अभी आप देख सकते हैं ये जो आपका थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, ये सब जो पार्ट आ रहा है ना, बिट मोटा है, इसके लिए ये नहीं आ पा रहा है। अगर हम लोग 3 mm का बिट चूज करेंगे तो ये क्लियरेंस हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इस टूल को डिलीट करके फिर से हम जाते हैं 5.5 सॉरी और ऐड और 3 mm का चूज करके हम करते हैं, तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा एकदम, मतलब चला जाएगा लगभग। देखिए तो आप देख पा रहे हैं कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। ठीक है, तो नॉर्मल में हमारा डिजाइन रेडी है 2.5। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। तो डेस्कटॉप में जाके 2.5 दिया था और हम लोग अभी देंगे जो भी एक नाम चाहिए 2D करके दे देते हैं, तो ये सेव कर देते। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, पेन ड्राइवर में दो फाइल आपको इंस्टॉल करना है, कॉपी करना है। फर्स्ट आपको चलाना है 2.5, सेकंड चलाना है बिट चेंज करके 2D। तो क्लियर होगा आपका, आगे का काम आपको दिखाते हैं।